खुजराहों की मूर्तिकला। खुजराहों में बनी मूर्तियाँ उन्नति के सर्वोच्च शिखरों पर पहुँची। शरीर की लचक व भावपूर्ण भंगिमाओं के लिए विशेष उल्लेखनीय यह मूर्तियाँ विश्वविख्यात हैं। इन प्रतिमाओं को प्रमुखतः 6 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम वर्ग में मुख्य देवी देवता या तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं, जो कि मंदिरों के गर्भगृह में प्रभुत्व दर्शाती सभंग मुद्रा में खड़ी हुई बनाई गई हैं। इनमें विष्णु, शिव, गणपति, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ आदि देवताओं की प्रतिमाएं हैं। दूसरा वर्ग प्रमुख देव के पार्श्व व सहायक देवी देवताओं का है, जो कि मंदिर के अंदर व बाहर बने हुए छोटे आलों में रखी गई हैं, जैसे गंगा, जमुना, नवग्रह, शिव अवतार, विष्णु अवतार, शक्ति रूपा आदि को सहचर रूप में प्रमुख प्रतिमा की महत्ता बढ़ाने के लिए शास्त्रीय मापदंडों की मदद से तैयार किया गया है। ये सभी प्रतिमाएं त्रिभंगी स्थिति में बनाई गई हैं। तीसरे प्रकार के वर्ग में नारी सौंदर्य, कमनीयता, लावण्य एवं बहुरूपा श्रृंगारत आकृतियां हैं, जो सुर सुंदरियों या अप्सराओं के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं। स्तंभ पर बनी ये प्रतिमाएं चारों ओर से गढ़ी गई हैं, जबकि दीवार पर बनी प्रतिमाओं को सामने की ओर से गहराई तक उभारा गया है। चौथे प्रकार में कलाकार ने विविध स्थलों पर लोक जीवन की झांकी प्रदर्शित की है, जिसमें परिवार के क्रियाकलापों, युद्ध, आखेट, श्रम, शिक्षा आदि के विभिन्न दृश्यों को संयोजित किया है। पांचवें वर्ग में देवों, छोटे गणों, गंधर्वों, किन्नर एवं विद्याधरों आदि की प्रतिमाओं के साथ प्रतीकात्मक मूर्तियां बनी हैं। छठे वर्ग में काम कला से संबंधित प्रतिमाएं हैं, जिसमें मैथुन, आलिंगन आदि के दृश्य हैं। इसमें प्रेमी युगल को सामान्य एवं असामान्य क्रीड़ा में रत दर्शाया गया है। इस प्रकार के दृश्य प्रायः उत्तर मध्यकालीन सभी केंद्रों में दिखाए गए हैं। खुजराहों की ये प्रतिमाएं विद्वानों व साधारण व्यक्ति के बीच हमेशा उत्सुकता का कारण रही हैं कि एक पवित्र धार्मिक स्थल पर, जहां जन साधारण दुनियादारी की समस्त मोहपाशों के को त्यागने एवं परलोक सिधारने की मंशा में दर्शन करने आता है, वहां इस प्रकार की मूर्तियों का क्या औचित्य है। किस प्रेरणा से प्रेरित होकर शिल्पकार ने इनका अंकन किया है एवं राजाओं को प्रोत्साहित किया है। कुछ विद्वान इसे उस समाज के नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता एवं चरित्रहीनता के कारण बनाया मानते हैं, तो कुछ जनसाधारण तक कामसूत्र के सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए इनका अंकन किया मानते हैं, और कुछ विद्वानों का मानना है कि कलाकार ने सौंदर्य बोध व सुंदरता की ओर आकर्षित होकर इन्हें बनाया, और कुछ लोग भोग को भी मोक्ष का एक मार्ग मानते हुए भोग की इस क्रिया को धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ की तरह संपन्न किया करते थे।